सेवाय च दुष्कृतान् धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि हितैः। रावण बनेंगे ऋतिक रोशन, अवतार की टीम करेगी मेक ओवर। बॉलीवुड फिल्म स्टार ऋतिक रोशन की पिछली रिलीज फिल्म वॉर की बम्पर सक्सेस के बाद उनके फैंस अपने फेवरेट स्टार को फिर से ऑन स्क्रीन देखने के लिए बेचैन हो रहे हैं। कोरोना की लहर का असर फिल्म स्टार के प्रोजेक्ट्स पे भी पड़ा, जिसकी वजह से अभी तक ऋतिक रोशन की अगली फिल्म की आधिकारिक घोषणा नहीं हो पाई। मगर इस बीच खबरों का बाजार तेज है कि फिल्म स्टार ऋतिक रोशन निर्माता मधु मंतेना की अपकमिंग फिल्म रामायण में रावण के किरदार में नजर आएंगे। जरा सोचिए, हैंडसम हंक, लाखों हसीनाओं के दिल पर राज करने वाले ऋतिक रोशन रावण के खूंखार किरदार में कैसे दिखाई देंगे? लेकिन इसकी तैयारी हो चुकी है। फिल्म को लेकर फिल्मी हलकों में काफी बस है। ताजा रिपोर्ट ये है कि इस फिल्म को खास बनाने के लिए मेकर्स ने हॉलीवुड फिल्म अवतार के टेक्नीशियन की मदद ली है। सुनने में आ रहा है कि फिल्म अवतार के कॉस्ट्यूम डिजाइनर ने फिल्म स्टार ऋतिक रोशन को रावण के गेटअप में दिखाने का बीड़ा उठाया है। इस बारे में IMW बस की एक ताजा रिपोर्ट के हवाले से जानकारी मिली है। जाहिर है कि ऋतिक रोशन के इस लुक के लिए मेकर्स पानी की तरह पैसा बहाने वाले हैं। इस फिल्म में ऋतिक रोशन रावण के किरदार में दिखाई देंगे, तो वहीं सीता के किरदार के लिए अदाकारा करीना कपूर और दीपिका पादुकोण के नाम पे चर्चा चल रही है। मजेदार बात यह होगी कि सालों पहले ब्रेकअप के बाद ऋतिक और करीना ने साथ में कोई फिल्म ही नहीं की। दोनों की आखिरी फिल्म थी मैं प्रेम की दीवानी, तो वहीं दीपिका के साथ उनकी जोड़ी अब तक सिल्वर स्क्रीन पे आई नहीं है। ऐसे में करीना या दीपिका में से ऋतिक रोशन की जोड़ी किसके साथ बनेगी, ये देखना दिलचस्प होगा।